पंचकुला में हरियाणा की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सहकारिता समिति के इंस्पेक्टर को 45,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इंस्पेक्टर कृपाराम के रूप में हुई है। कृपाराम पंचकुला सेक्टर 2 स्थित हरियाणा सहकारी समिति विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। कृपाराम ने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के एवज में 45,000 रुपए मांगे थे। एसीबी ने रंगे हाथों इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्याय के हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 20 निवासी राम कुमार ने एसीबी को शिकायत दी थी कि कृपाराम इंस्पेक्टर सहकारी समिति विभाग ने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर के एवज में उससे 45,000 रुपए मांगे हैं। इंस्पेक्टर ने सेक्टर 2 स्थित सहकारिता विभाग में शिकायतकर्ता को पैसे लेकर बुलाया था। जैसे ही इंस्पेक्टर ने पैसे पकड़े, तभी एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और पैसे लेते ही इंस्पेक्टर को काबू कर लिया। आरोपी के पास से 45,000 रुपए बरामद हुए। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 17 स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी का सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश किया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।